कहाँ जा रहे हो शामिर? मैं यासर अंकल के घर पे जा रहा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पापा मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, वापस आ जाओ तो कर लो। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। बताइए। तुम अफरा में इंटरेस्ट लेना छोड़ दो। क्यों? आपसे अफरा ने कुछ कहा? नहीं, उससे मेरी बात ही कहाँ होती है। तुम कोमल के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? हंस क्यों रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, कोमल तुम्हारी बचपन की दोस्त है और तुम्हारा बहुत पुराना साथ है। पापा कैसी बातें कर रहे हो? मैं हंसू नहीं तो और क्या करूं? आप तो बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं, जैसे बच्चा किसी चॉकलेट के लिए जिद करता है। और पापा दिल तो किसी भी आ सकता है। हंस नस वक्त और औकात तो आप जैसे बिजनेसमैन ज्यादा अच्छा समझते हैं, मैं तो अपनी दुनिया में खुश रहने वाला आदमी हूं। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कह रहा हूं, मुझे तुम्हारे चेहरे पर वक्त की खुशी नहीं, दायमी खुशी देखनी है। आप फिक्र न करें, एक बार वो मुझे मिल जाए मैं बहुत खुश रहूंगा, आई प्रॉमिस यू। तो मेरी बात ही नहीं सुनती, फोन करूं तो फोन नहीं उठाती, आखिर मैं करूं तो करूं क्या? आप मेरा पीछा छोड़ दें। इसके अलावा कोई और ऑप्शन? आप मुझे परेशान मत करें। सारी जिंदगी परेशान करने वाला हूं, आदत डाल। मैंने पापा से तुम्हारे मुतालिक बात कर ली। मैंने आपको मना किया था, आपने फिर भी उनसे बात की। आप क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं समझ आता आपको कि जो आप चाहते वैसा नहीं हो सकता? क्यों क्यों नहीं हो सकता? ऐसी क्या वजह है? आखिर मेरे अंदर क्या खराबी है कि तुम मानने को तैयार ही नहीं? तुम जब तक मेरी इस बात का जवाब नहीं दोगी मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती है। आप मेरा रास्ता छोड़ दें, मैं आपकी नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं तुम्हारा हो जाता हूं, सिर्फ तुम्हारा। चलो, मोहब्बत की नहीं बुनियाद रखते, हम खुद को पाबंद रखते हैं और तुम्हें साथ रखते हैं। अम्मी, 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 आज आप रोजीना जी के साथ डॉक्टर के पास गई थी? हाँ गई थी बेटा, उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट लिए हैं, कल फिर बुलाया है। लेकिन मुझे रोजीना के साथ जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों? उन्होंने कुछ कहा है क्या? नहीं बेटा, उसने खुद अपॉइंटमेंट ली, मुझे अपने साथ लेके गई, लेकिन अच्छा नहीं लगता वो अपने काम काज छोड़ के मेरे साथ अस्पतालों के चक्कर काटे। सुनो, कल तुम चलना ना मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। हाँ, तुम कॉलेज से आ जाना, फिर मेरे साथ चलना। ठीक है डॉक्टर। जल्दी चलो। अरे हुआ क्या, मुझे बताएं? आओ चलो जल्दी। अरे चलो। अरे हुआ क्या है? बैठो ना गाड़ी में, बैठो। चुप करो अम्मी। चलो, मैं ठीक कह रही हूँ इफ्रा, मैंने वहां उमेर को देखा है। अम्मी ऐसे कैसे हो सकता है, वहां कोई उमेर नहीं था। वो उमेर ही था, उसे देखने में मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैं उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकती। इफ्रा अम्मी, आपको कोई गलत फहमी होगी, हो सकता है आपने जिस इंसान को देखा वो मैं में मिलता हो। आप क्यों घबरा रही हैं? मैं तो ये सोच रही हूँ कि कहीं उसने हमें देख तो नहीं लिया होगा।
आप खुद को फसल में परेशान कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। और चले मान लेते कि वहां उमेर ही था, तो क्या होगी अम्मी? हम यहाँ अकेले नहीं है, मैं ठीक हूँ। अम्मी आप अभी तक नहीं सोए? क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही? इफ्रा वो उमेर ही था, मैं कह रही हूं ना, वो उमेर ही था। अम्मी आप अभी तक इसी बारे में सोच रही हैं? क्या हो गया आपको, क्यों खुद को परेशान कर रही है? वो उमेर नहीं था। आपने जिसको भी देखा है वो उमेर में मिलता होगा। हाँ, उमेर कैसे आ सकता है? उमेर मेरा सगा भांजा है, अपनी गोद में खिलाया मैंने उसे। तुम ये कहना चाह रही हो कि उमेर को देखने में मैंने गलती की होगी? ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, मान लेते कि वो उमेर ही, तो क्या हो गया अम्मी? कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हैं, उसने हमें नहीं देखा। मुझे यकीन है वो हमें देख चुका होगा। ऐसा नहीं है अम्मी, आप बिला वजह इतना परेशान हो रही हैं। मैं बिला वजह परेशान नहीं हो रही इफ्रा, वो हमें जरूर ढूंढता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा। उसको किसी ने जरूर बताया कि हम यहाँ हैं। कौन बताएगा उसे? ये मैं नहीं जानती, दोस्त और दुश्मन में आजकल फर्क करना मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं, उसे कैसे पता चल सकता कि नहीं? और अगर उसे पता चलना ही होता तो बहुत पहले पता चल जाता। मैं तो कब से यहाँ रह रही हूँ। अब आप कहाँ जा रही हैं? यासर को ये बात बताना जरूरी है। अम्मी इतनी रात हो रही है, क्या हो गया आपको? हमें इस वक्त उनको परेशान नहीं करना चाहिए। आप खुद को भी परेशान ना करें और सोचें, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। चले आ लेते। उमेर को इस शहर का किसने बताया होगा? सुबह बात करते, अभी आप सोचें, चले आ। सर मुझे एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करवाना है। इसके लिए तो आपको सुबह आना चाहिए था। I'm sorry सर, मेरी तो सुबह से कंटिन्यूस क्लासेस चल रही हैं, मुझे कोई ब्रेक नहीं मिला। प्लीज इसे जमा कर लें। ये फॉर्म तनीर साहब जमा करते हैं, वो अपनी सीट पे नहीं है, आप इंतजार कर लें। दिन बहुत टफ था, मैं कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ आज तो। तुम लड़कियाँ सिर्फ 2 घंटे की क्लास लेने में थक जाती हो, हमारी तरह मेहनत करनी पड़े तो पता नहीं क्या हो तुम लोगों का। कभी तो कोई अच्छी बात मुझसे निकाल लिया करो शामी। मैंने क्या कोई जोक सुनाया है तुम्हें? तुम साथ जोकर बैठा हो, जोक की क्या जरूरत है? गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको अभी। क्यों, क्या हो? तुम्हारे साथ जाने से बेहतर है तो मैं कैब में चली जाऊँ, बिला वजह बातें करते रहोगे। यार सॉरी। अच्छा मुंह ठीक करो, वरना इतने बड़े मुंह के साथ तुम्हें रेस्टोरेंट लेके जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, जबरदस्ती लेकर आया पता। चलो फिर रहने देते हैं। अरे तुम उदास क्यों हो रहे हो,
देखो ना, मेरा मूड ठीक हो गया। अब मुझे जल्दी से अच्छा खाना खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे मुझे पता था तुम बहुत बड़ी नजरीदी हो। हमेशा अपनी तरह मत समझा करो शामी। ये वैसे एक काम करें, इफ्रा को भी साथ लेते हैं, साथ ही खा लेते हैं खाना। नहीं ये इफ्रा हमारे दरमियान कहां से आ गए? क्या बात? कुछ नहीं, मेरा मतलब इफ्रा का कॉलेज यहाँ से काफी दूर है, हम लोग तो यहाँ से चलते हैं ना। 10 मिनट की ड्राइव पर तो है, अच्छा है ना, वो भी साथ होगी। अक्सर इफ्रा की एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, तुम्हें तो पता है उसके एग्जाम्स भी होने वाले हैं, वो घर भी बहुत लेट आती है। तुम उसको छोड़ो, मुझे प्लीज कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। यहाँ से राइट लो, एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहां का खाना खाएंगे। आप अभी तक बैठी हुई इंतजार कर रहे हैं, तनवीर साहब नहीं आए? नहीं, मैं तो तब से वेट कर रही हूँ। आप घर जाइए, कल सुबह आइएगा। मगर सर ये मेरा फोन। हेलो, किधर हो इफ्रा, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? जी अम्मी मैं बस आ रही हूँ। बहुत देर हो गई है इफ्रा, जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जी जी मैं बस कॉलेज से निकल रही हूँ, खुदा हाफिज। जब जल्दी होती है चीज नहीं मिलती है, कहाँ रख दिया मैंने अपना फोन? ओह, ये पड़ा है, मुझे भी पता नहीं क्या होता जा रहा है, चार्जिंग पे लगाया था और खुद ही भूल गई। वो इफ्रा अभी तक कॉलेज से नहीं आई, मैं काफी देर से इंतजार कर रही हूँ। अभी तक नहीं आई? इस वक्त तक तो वो वापस आ जाती है, इतनी देर तो उसने कभी नहीं लगाई। इसीलिए तो मुझे परेशानी हो रही है। आप टेंशन ना लें, मैं अभी वैन ड्राइवर से बात करती हूँ, हो सकता है गाड़ी खराब हो गई। हेलो इफ्रा, अभी तक घर नहीं पहुंची, आप कहाँ हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन कर लूंगी। क्या हुआ, क्या कहा ड्राइवर ने? वो तो कह रहा है कि उसने सब स्टूडेंट्स को ड्रॉप कर दिया था, उनमें इफ्रा नहीं थी। इफ्रा नहीं थी मतलब? अगर इफ्रा नहीं थी तो उसे हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, उसने हमें क्यों नहीं बताया? दरअसल इफ्रा जाती तो वैन में है, लेकिन बाज़ोकात वो वैन में वापस नहीं आती, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, इसलिए मैं ड्राइवर को कभी कभी भेज देती हूँ उसे पिक करने के लिए। तो आज वैन ड्राइवर यही समझा होगा कि उसकी कोई एक्स्ट्रा क्लास है। अगर एक्स्ट्रा क्लास भी थी तो उसे इस वक्त तक आ जाना चाहिए था। हाँ यही मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन आप परेशान ना हो, सकता है वो अपनी किसी दोस्त की तरफ चली गई हो। नहीं नहीं, ऐसा होता तो वो मुझे बता के जाती, इफ्रा बिल्कुल लापरवाह नहीं है। आपने इफ्रा को फोन किया था? हाँ, उसका फोन नहीं मिल रहा, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा। मैं एक मिनट चेक करती हूँ। हेलो यासिर, कोई है, दरवाजा खोले।
क्या बात है, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, मुझे घर जाना है, वो आज मैं बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर सकूंगा। खैरियत तो है घर में, सब ठीक तो है? नहीं, वो इफ्रा अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आई। क्या, कहाँ गई इफ्रा? मुझे क्या पता, रुजीना की कॉल आई थी बस, मैं इसीलिए घर जा रहा हूँ। शामिर, कहाँ हो तुम, किसके साथ हो? पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है और डैड की भी आईजी साहब से बात हो गई है, तुम किसको फोन मिला रहे हो बार बार? शामिर, तुमने 100 times इफ्रा को फोन ट्राई किया है? हाँ, पर इन 100 times में से 1 time भी उसने मेरा फोन नहीं उठाया। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? उसका नंबर कैसे लगेगा? शामिर, वो किडनैप हो चुकी है और तुम अच्छी तरह जानते हो, तो फिर बार बार उसका नंबर क्यों ट्राई कर रहे हो? शामिर, परेशान मत हो, हमें भी इफ्रा की फिक्र है। वो शख्स इफ्रा के साथ कुछ भी कर सकता है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इस आदमी ने पहले भी इफ्रा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ठीक कह रहे हो तुम, डैड बता रहे थे कि लास्ट टाइम भी उसने इफ्रा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तो शुक्र है कि सही वक्त पर दादा अबू पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। उससे घटिया आदमी पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इफ्रा को साथ लेके चलो, मगर तुम मेरी सुनती कहो। मगर तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? मुझे क्या पता था कि इफ्रा किडनैप हो जाएगी? इफ्रा को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। हम क्या कर सकते हैं? दुआ करो बस इफ्रा जल्दी से मिल जाए। तुम्हें पता है इतनी आंटी भी कितना रो रही है, मुझसे देखा भी नहीं जा रहा है। अब तुम कहां जा रहे हो? मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मगर तुम जा कहां रहे हो? शामिर सुनो, शामिर। यासिर, मैंने आज की मीटिंग पोस्टपोन कर दी है। अच्छा किया। इफ्रा का कुछ पता चला? नहीं, फिलहाल तो नहीं। वैसे सारे शहर की पुलिस उसे ढूंढ तो रही है, आईजी साहब डायरेक्ट मेरे साथ कांटेक्ट में। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर खुदा ना खासा इफ्रा को कुछ हो गया तो रोजे मैशर को मैं अबू को कैसे फेस करूंगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो तुम। बाय द वे, वो शामिर नजर नहीं आया। पता नहीं, अभी तो यही था। एक्सक्यूज मी, हेलो। हेलो हेलो, शामिर कहाँ हो तुम? इफ्रा को ढूंढ रहा हूँ पापा। व्हाट, ये क्या बेवकूफी है? तुम इफ्रा को कैसे ढूंढोगे? वो अगवा हुई है। जानता हूँ पापा, लेकिन वो मुसीबत में होगी, उसको मेरी जरूरत होगी इस टाइम पे। पुलिस उसे ढूंढ रही है, जगह जगह नाकाबंदी की हुई उन्होंने, हाई अलर्ट है। वो लड़का इफ्रा को शहर से बाहर नहीं ले जा सकता। इंशाल्लाह इफ्रा बहुत जल्दी मिल जाएगी। मुझे नहीं पता वो कहाँ होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसे ढूंढूंगा। पापा, मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को। सलाम। जी सर। आपकी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है इफ्रा। जी जी, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। क्लासेस तो कभी खत्म हो चुके हैं सर, मैं भी जा रहा हूँ, कॉलेज तो बंद हो चुका है। लेकिन आप चेक करा दें मुझे प्लीज। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कॉलेज बंद हो चुका है, क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, या अभी कोई भी नहीं, मैं खुद सामान पैक करके जा रहा हूँ। आई नो, लेकिन जब तक मैं खुद नहीं देख लूंगा मुझे तसल्ली नहीं, प्लीज। चल, आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो आए, मैं देखूंगा आपको।
अगर आपकी सेटिस्फेक्शन होगी कॉलेज बंद हो चुका। कोई है? ये आवाज किसकी? इफ्रा, इफ्रा तुम अंदर है? इफ्रा फिक्र नहीं करो, अभी अभी खुलवा देते हैं, खैर है, फिक्र नहीं करो। आप कब से रो रही हैं? इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बस करें। पता नहीं इफ्रा कहाँ है, किस हाल में होगी मेरी बच्ची, अभी तक आई क्यों नहीं? कुछ नहीं होगा उसे, वो आ जाएगी। कब आएगी? 3 घंटे से ज्यादा हो गए उसको गए हुए, अभी तक तो वापस नहीं आई। खुदा का वास्ता मेरी बच्ची मुझे ला दो, मेरी बच्ची मुझे ला दो, मेरी बच्ची पे रहम करना, मेरी बच्ची मुझे। अच्छा ठीक है, आप रोना बंद करें, इफ्रा इफ्रा का पता कर रहे हैं हम लोग, आ जाएगी। मिल जाएगी ना इफ्रा? जरूर मिलेगी। ठीक हो? इन्होंने तो खुद को रो रो के हलकान कर दिया था। बहुत मोहब्बत करती हैं तुमसे तुम्हारी अम्मी। अम्मी अब आप क्यों रो रही हैं? अब तो मैं आपके पास हूं, आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैंने तुम्हें अगवा कर लिया है, और वो कुछ गलत कर देगा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देगा वो। मैंने आपको पहले ही कहा था अम्मी, उमैर ने हमें नहीं देखा, आप खामखा खुद को परेशान करती हैं। हम सब वाकई बहुत परेशान हो गए थे, अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम सही सलामत वापस आ गई। अम्मी तो हमेशा ही मेरे लिए परेशान रहती, जब भी तो खुद की उन्होंने ये हालत कर ली। मेरे पास तुम्हारे अलावा और है ही क्या, तुम्हें तो मेरी सारी दौलत, मैं तो तुम्हें खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स को। कोमल भी जब घर नहीं आती तो मैं भी उसके लिए इसी तरह फिक्रमंद हो जाती हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास रहूंगी। हाँ, परेशान होना बंद करें। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा तिया जी कि आप अपनी बेटी की रुखसती कैसे करेंगी, आखिर बेटियों को एक ना एक दिन तो पराए घर जाना होता है, आप कैसे इसे रुखसत कर सकेंगी? इफ्रा इस घर से कहीं नहीं जाएगी। मैं वाकई आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। वैसे कोमल भी यही कहती है। अच्छा अब आप आराम कीजिए, इफ्रा अपनी अम्मी का ख्याल रखना। जी। मैं बहुत डर गई थी, मैंने बहुत आवाजें दी, अगर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। अगर मैंने तो सुन लिया था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं आएगा, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, और अगर वाकई ऐसा होता तो मेरा तो दम घुट जाता। I'm sorry. आप सॉरी क्यों कर रहे हैं? मुझे तुम्हारे पास बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन शायद मुझे आने में देर होगी। तुम्हें मेरी वजह से इतनी परेशानी है। आपको थोड़ी पता था कि मैं लेफ्ट में फंस गई, इसमें आपका क्या कसूर? वैसे आपको कैसे पता था कि मैं कॉलेज में हूँ? बस मेरा दिल कह रहा था कि तुम मुझे मिल जाओगी। थैंक्स, अगर आप नहीं आते तो शायद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अम्मी मेरे लिए बहुत परेशान हो जाती है, अगर आप नहीं आते तो वो खुद को संभाल नहीं पाती। उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था, वो बहुत घबरा गई थी। मेरी अम्मी ऐसी
वो बहुत जल्दी मेरे लिए परेशान हो जाती है। मैं नो माया ऐसी होती है। अब ठीक कह रहा। मैं तो हमेशा से ही ठीक कहता हूँ, मगर आप ही नहीं मानती। ये भी ठीक ही कह रहा हूँ ना? शामीर, तुम्हें घर नहीं चलना क्या? जी ओके फ्रा खैर वापस। बहुत थक गए हो? जी थक तो काफी गया था, लेकिन इफ्रा मिली तो इससे सारी थकान ही उतर गई। काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा हूं मैं। मैंने तुम्हें इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। तुम तो बड़ी सी बड़ी टेंशन को हंसकर टाल देते थे। मैंने सोचा था कि जिंदगी में तुम कभी सीरियस नहीं होगी। सही कह रहे हैं। इफ्रा के जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, इश्क करता हूं। पहले तो सिर्फ फिल्मों में देखा था, ड्रामों में देखा था, लेकिन आज जब खुद पे बीती तो हकीकत का अंदाजा हो गया। आज मुझे पता चला है उन्हें लेके आए अहमियत रखती है। मैंने तुम्हारा पागलपन देखा है शामिर। तुमसे एक बात कहूं, ये सब ठीक नहीं है शामिर। किसी के मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं होता। कल क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। इंसान की हकीकत आज औकात वो नहीं होती जो हमें नजर आती है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कभी कभी हमें जो नजर आता है वो धोखा होता है। किस धोखे की बात कर रहा हूं शामिर? किसी भी चीज के लिए हद से ज्यादा दीवानगी अच्छी बात नहीं होती। हमें हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल टूटने की आवाज बहुत धीमी होती है, जिसे सिर्फ हम खुद सुन सकते हैं, लेकिन उसकी तकलीफ, उसका दर्द बहुत ज्यादा होता है। मैं समझा नहीं आपकी बात। अगर आज इफ्रा ना मिलती तो पता नहीं मैं मेरे साथ कुछ हो जाता। तुम कॉलेज जा रही हो? जी। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। आप? हाँ, मुझे वो मैनेजमेंट से बात करनी है कि कितने इरिस्पॉन्सिबल लोग हैं। उनकी लिफ्ट खराब हो गई, तुम बीच में फंसी हुई थी और उनको पता तक नहीं चला। मैं कुछ हो जाता तो मेरा मतलब है कि आफ्टर ऑल इफ्रा तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मैं तुम्हें इसलिए यहां लेकर आया हूं ताकि तुम महफूज रह सको, दैट्स इट। तुम्हें अगर जरा सा भी नुकसान पहुंचता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। तुम ठीक तो हो ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा लग रहा है ये देख के कि आपको इफ्रा की फिक्र है, वरना मुझे तो लग रहा था कि आप इफ्रा को यहां लाकर उसे भूल गए। इस बात की खुशी हो रही है कि आपको अपना और इफ्रा का रिश्ता याद है।
मैं ठीक कह रही हूँ ना यासर? मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, चलें? हाँ वो मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ फिर। जी क्या जरूरत थी उनसे ये बात करने की? बेटा कुछ रिश्तों को बार बार याद दिलाना जरूरी होता है, वरना वो अपनी शनाख्त खो देते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं। और मैं तुम्हें किसी भी कमजोर रिश्ते में उलझा हुआ इस दुनिया से छोड़ के नहीं जाना चाहती। चलो अब जाओ, यासर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। खुदा हाफिज़। मुझे लगता है फैसला करने के लिए सही वक्त है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, किस फैसले की बात कर रहे हो? मैं चाह रहा हूं कि यासिर से तुम्हारे रिश्ते की बात कर लूं। What? Really, पापा? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आप सच कह रहे हैं। अब तुम नाश्ता भी कर लो, या खुशी से तुम्हारी भूख ही उड़ गई है? जी, बात तो सही कह रहे हैं आप, वाकई भूख मर गई। तो आप फिर कब कर रहे हैं यासिर अंकल से बात? जब तुम्हारे दादा ने पहली मर्तबा मुझसे मेरी शादी का पूछा था तो मैं शर्म के मारे एक लफ्ज नहीं कह सका, बल्कि मैं उनके सामने से उठकर ही चला गया था। अब तुम हंस क्यों रहे हो? इसका मतलब दादा आपको बहुत अच्छी तरह जानते थे, आपके कहे बगैर सब समझ गए, और मुझे तो आपसे सब कहना पड़ता है। अब बताएं आप कब कर रहे हैं बात? बस एक दो दिन में बात करता हूं, अब तो खुश हो ना? बहुत। कॉफी। अरे वाह, आज तो बगैर बोले कॉफी मिल गई, वो भी तुम्हारे हाथ की। अपने लिए बना रही थी, तो सोचा कि आपके लिए भी बना दूं। आपको कॉफी पसंद है ना? वैसे अच्छा है, तो मेरे कहे बगैर ही मेरी पसंद या नापसंद जान ली, मुझे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बैठो ना, कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है आज मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन। क्यों? आपका बर्थडे है क्या? क्यों, बर्थडे के अलावा और भी काफी सारे दिन स्पेशल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे रिश्ते से मुंसलिक हो जाए जो आपके लिए सबसे ज्यादा अहम है। प्लीज शामिल, उससे ऐसी बातें मत किया करें। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें डर लगता है कि कोई हमारे रिश्ते को कुछ कहना दे, हमारे रिश्ते पे कोई उंगली उठाए? किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आपके और मेरे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। अगर रिश्ता है तो वो सिर्फ दोस्ती का है। चलो दोस्ती सही, इस दोस्ती को किसी मजबूत रिश्ते में बदल दीजिए। क्या आप क्या कह रहे हैं? आज तकदीर हम पर मेहरबान हो गई है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिलने वाली है। तुम्हें पता है आज पापा भी आ रहे हैं, पूछोगी नहीं क्यों? क्यों? वो यासिर अंकल से तुम्हारा हाथ मांगने आ रहे हैं, मेरे लिए पहले मम्मी और फिर शादी। तुम बहुत जल्द मेरी हो जाओगी। पागल तो नहीं हो गए आप? ऐसा कुछ नहीं हो सकता और कभी नहीं हो सकता। कैसी है इफ्रा? ठीक ही होगी, मेरा मतलब है मेरी उससे रोज मुलाकात तो नहीं होती। आप क्यों पूछ रहे?
या सिर्फ मेरा ख्याल है कि तुमको अब इस रिश्ते को डिक्लेयर कर देना चाहिए। हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, जब रोजीना भाभी और कोमल को तुम्हारे इफ्रा के साथ निकाह का पता चलेगा तो कम से कम तुमको उनका ही ख्याल रखना चाहिए। उन्हीं का सोचकर तो मैं ये बात अपनी जबान पर नहीं ला सकता। तुम समझ नहीं रहे, तुम्हारे एक रिश्ता छुपाने से कई जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। मैं सबको बर्बादी से बचाने के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूं। आज आपको क्या हो गया, आप ये सब कुछ क्यों कह रहे? मेरी परेशानी कम करने की बजाय आप बढ़ा रहे हैं। रोजीना भाभी से कहना मैं उनसे मिलने आऊंगा, मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या बात करनी? बस वो आशी। तो आप रोजीना को मेरे और इफ्रा के निकाह के बारे में बताना चाहते हैं? देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, जब मौका आएगा तो मैं खुद बता दूंगा। फिलहाल तो मैं तुम्हारे घर जा रहा हूं।